राजौरी थन्ना मंडी और शाहदरा शालपी रोड पर मिनी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर पिछले 4 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान समस्या झेल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की सलाह के अनुसार उनके मिनी बस मेटाडोर मार्गों पर नहीं चल रहे। उन्हें निजी वित्त कंपनियों से वित्तीय सहायता मिली है, जहां ब्याज सरकार बैंकों से 2 गुना है। मिनी बसों ने जंग नहीं पकड़ी और काम करने की स्थिति में आने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। वे सरकार से वित्तीय सहायता की मांग करते हैं ताकि उन्हें राहत की सांस मिल सके। मेरा नाम तारक महमूद है, मैं थन्ना मंडी हस्पिटल में रहने वाला। असी ये मेटाडोर रखी हुई और मेटाडोर जरा चला के अस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन 4-5 महीने से हमारी जो गाड़ियां वो खड़ी हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत वगैरह नहीं है गाड़ियों चलने की। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, फाइनेंसर का जो इंटरेस्ट पड़ चुका है अभी, तो अभी सरकार से गुजारिश है कि वो हमारी हमें कोई थोड़ा रिलैक्स दिया जाए और हमारी जो गाड़ियाँ हैं हम चलाएँ और अपना टाइम पास करें। और जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर हैं ये बहुत परेशान हैं, और या ना तो ये मजदूरी के काबिल या ना ही मजदूरी मिलती है इनको, तो इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि कुछ हमें रिलैक्स दिया जाए और हमारी जो गाड़ियां हैं ये हम चलाएं। बाकी हमारी जो हमने गाड़ियों का जो केस वगैरह करवाए हुए हैं जो, तो वो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट फाइनेंस हैं जिनसे हमने करवाए हुए हैं, तो उनकी किस्तें जो हैं ड्यू हो चुकी हैं और उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा हमें। और हमारा जो ये ड्राइवर कंडक्टर जो तबका है ये तो भूखमरी का शिकार हो चुका है। हमारी गाड़ियों को जो हमें कुछ छूट दी जाए और चलने की हमें इजाज़त